से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी को कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा टिकट दे के, और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सवाई सिंह चौधरी शामिल हो गए थे। पत्नी को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। देर रात अपना इस्तीफा पत्र भी उन्होंने बीजेपी को सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने इनकी पत्नी को टिकट दिया, वैसे ही इन्होंने फौरन, यानी कि रतन चौधरी इनकी पत्नी है, फौरन इन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये आपको इस्तीफा पत्र दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से सवाई सिंह चौधरी का, रतन चौधरी जो कि डॉक्टर रह चुकी हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, पत्नी को टिकट मिला तो बीजेपी से इस्तीफा दे दिया सवाई सिंह चौधरी ने? जी बिल्कुल, देखिए सवाई सिंह चौधरी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी ज्योति मिर्धा के साथ, लेकिन वो बीजेपी में सक्रिय नहीं रहते, किन्हीं कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता नहीं रही थी और एक तरीके से कटे हुए से थे। और अब पिछले 3-4 दिन से ये चीजें चल रही थी कि सवाई सिंह चौधरी टिकट की दावेदारी जता रहे कांग्रेस से, और खुद के लिए वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पत्नी पर सहमति जताई डॉक्टर रतन चौधरी पर, और उसके बाद सवाई सिंह चौधरी ने ये इस्तीफा दे दिया। तो दूरी तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी बीजेपी से रही इनकी, लेकिन ये बीजेपी में ज्योति मिर्धा के साथ आए थे और फिर से कांग्रेस में लौट गए। सवाई सिंह चौधरी खुद पहले अनुमान बेनीवाल के सामने क्यूंगर में चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और तब 16,000 के आसपास वोटों से चुनाव हार गए थे। जी, और इस बार भी कयास यही लगाए जा रहे थे महेंद्र कि हो सकता है खिमसर सीट पर एक बार आरएलपी और कांग्रेस फिर से गठबंधन करे, लेकिन गठबंधन ना करके अकेले लड़ रही है और रतन चौधरी को इस बार टिकट दिया गया, तो इस्तीफे से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जो चुनाव प्रचार इनके नामांकन दाखिल हो जाएंगे, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे तो स्थितियां ठीक से क्लियर होगी, लेकिन आज की तारीख में ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए बात कोटा से बड़ी खबर की। कोटा में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, डेंगू के मरीजों के